हैदर का सपोर्ट तो कहीं नहीं दिख रहा है। भारत पाकिस्तान गाली गलौज, एक दूसरे की बेइज्जती करना, थोड़ा सोचने समझने की बातें हैं कि हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की हेल्प करना हमारा फर्ज भी बनता है। सीमा ने सब कुछ बिखेर दिया है बेचारा, आजकल वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। हैदर ना उसके पास उसका घर रहा, ना पैसा रहा, ना बच्चे रहे, किस मानसिक पीड़ा से वो गुजर रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग सोच कर देखिए। जो लोग हैदर के सपोर्ट का बहाना बनाकर, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और फिर से मैं हैदर भाई के सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हैदर बहुत परेशान हो चुका है। भगवान किसी ना किसी सूरत से उसके बच्चे उसको मिल जाने चाहिए। जिस तरह हैदर का सपोर्ट होना चाहिए पाकिस्तान में, उस तरह सपोर्ट उसका नहीं हो रहा। कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा, केवल वीडियोस बन रहे हैं, वीडियोस में बातें हो रही हैं। हमारे भारत से सूर्या भाई इतनी मुस्तैदी से खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने एक पिता का सम्मान रखा है, ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना देश देखा। उनको कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान है या अन्य मुल्क है, मुस्लिम है या हिंदू है। सिर्फ और सिर्फ एक पिता की बात रखते हुए एक पिता का दर्द उन्होंने महसूस किया है, इस वजह से वो हैदर भाई के समर्थन में उतरे हैं, उसके सपोर्ट के लिए उतरे हैं। वो भी चाहते हैं कि हैदर को उसके बच्चे मिल जाएं। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, क्या पाकिस्तान वाले जो हैदर के भाई बंधु हैं वो चाह रहे हैं कि हैदर के बच्चे उसे वापस मिल जाए? मुझे नहीं लगता है कि वो लोग चाह रहे हैं कि हैदर को उसके बच्चे वापस मिले। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, आप लोग मुझे बुरा भला भी बोलेंगे, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ। मान लीजिए आपका कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके हित की बात कर रहा है, जैसे हैदर है, हैदर के बच्चे दिलाने की बात सूर्या भाई कह रहे हैं। बाकी भारत से बहुत सारे लोग अपने चैनल से आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ की हमारी बहनें पाकिस्तान के पैनल पर जाती हैं और वहाँ अपनी बात रखती हैं, तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि सूर्या भाई का और यहाँ हमारी जो बहनें हैं आप लोग उनका सम्मान बरकरार रखें? क्या आपका फर्ज नहीं बनता है? गैर मुल्क का आदमी, एक अलग बिरादरी का आदमी, आपके मुल्क की, आपके मुल्क के एक भाई की हेल्प करने के लिए कितनी गालियां खा रहा है, कितनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है, फिर भी वो इतना अपने धैर्य का परिचय दे रहा है। सूर्या भाई हमारे इतना धैर्य का परिचय दे रहे हैं कि वो आप लोगों को कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। तो क्या आप लोगों का फर्ज यही बनता है? सूर्य भाई का कहना है कि जो लोग गाली गलौज करते हैं, हमारे दूसरे भाई अनिल भाई हैं, उनका भी कहना है जो लोग गाली गलौज करते हैं उनको आप अपने पैनल पर मत लीजिए। कौन सी बड़ी आफत है? उस इंसान के पास भी उसका चैनल होगा ना, वो जो भी करे अपने चैनल से करे। जब आप लोगों के चैनल पर हमारे सूर्य भाई आते हैं और वो इंसान आ जाता है, तो सूर्या भाई की क्या बेइज्जती नहीं है? या फिर वो इंसान इतना अच्छा होता, हैदर के हक की बात करता, तो अलग बात थी। सूर्या भाई जैसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उनके मुंह से ही मैं सुन रही थी कि उनको मारने की धमकी तक दी गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं सूर्या जैसे भाई को? एक फरिश्ता बनकर वो हैदर के लिए आए हैं, काम कर रहे हैं कि उसके बच्चे उसको वापस मिले। आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई एक गंदा इंसान है, वो भारत की महिलाओं को अश्लील वीडियोस भेजता है, फोटो भेजता है, वॉइस मैसेजेस भेजता है, और आप लोग उसको अपने पैनल पर जगह देते हैं? वो हमारे देश के खिलाफ बातें करता है, आप लोग उसको जगह देते हैं? सही कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को लगता है आप लोग सही कर रहे हैं? कौन हेल्प करेगा इस तरह? हर इंसान सहनशील नहीं होता है। अनिल भाई को बहुत सारी गालियां मिल रही हैं क्योंकि वो थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचो,
कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जब हमारे हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, एक घर में अगर 4-5 भाई बहन हैं तो उनमें एक जैसा उनका नेचर नहीं होता है, एक जैसी सोच समझ उनकी नहीं होती, तो फिर ये तो सूर्य भाई और अनिल भाई का तो बहुत दूर दूर तक रिश्ता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान का बर्दाश्त करने का लेवल जो होता है, सहन शक्ति होती है, वो अलग होता है। क्यों उकसाते हैं ऐसे लोग, क्यों सूर्य भाई को या अनिल भाई को उकसाया जाता है कि वो लोग गाली गलौज करें? क्या ये अच्छी बात है? क्या ये हैदर के हक की बात है? मुझे लगता है अगर सूर्य भाई भी कहीं पीछे हट गए इन सब बातों से परेशान होकर, तो फिर कौन हैदर के हक की बात करेगा? कौन हैदर के हक की बात करेगा? अभी आप लोगों ने देखा ना, सूर्य भाई और अनिल भाई दोनों लोग गए थे हैदर के वीजे के लिए, और उम्मीद है बहुत जल्द हैदर का वीजा के लिए अप्लाई हो जाएगा, जल्द ही हैदर आएगा भारत, ऐसा सूर्य भाई ने कहा है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए कि जो आपके हित की बात कर रहा है, जो आपके सपोर्ट में खड़ा है, कम से कम दूसरे का नहीं, उस इंसान का तो सम्मान रखिए, उस इंसान का तो सिर मत झुकने दीजिए। जिसके पैनल पर भी वो इंसान आता है, वो चैनल वाला, वो चैनल का ओनर जो है, वो दोषी है सबसे ज्यादा। चैनल के ओनर को रोकना चाहिए कि उसके चैनल पर कुछ भी इस तरह का ना हो कि सूर्य भाई जैसे लोगों का वहां अपमान हो। कल को अगर सूर्य भाई पीछे हट गए तो क्या आप जानते हैं कि आप हैदर की हेल्प कर पाएंगे? घंटा हेल्प कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत के लोग ही जब चाहेंगे कि हैदर यहाँ आए, वीजा उसका बन जाए, तभी कुछ हो सकता है। ये बात रोशन अली साहब ने भी कहा है कि इंडिया से हमें कोई इनविटेशन दे तभी हम आ सकते हैं, वीजा हमारा बन सकता है। तो क्यों आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि बेचारा एक बाप जो भटक रहा है, अपने बच्चों से दूर है, क्यों नहीं उसको हेल्प करते हो? क्यों गंदे इंसानों को पैनल पर लेते हो? कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ चैनल वाले, इन लोगों को डर है कि अगर हैदर का सपोर्ट हो गया, जल्दी से वीजा बन गया, हैदर अगर भारत चला गया, उसके बच्चे उसे जल्दी मिल जाएंगे, तो इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसा मत करो। ये देखो, इंसान की मानसिकता है, कभी भी इंसान कुछ भी सोच सकता है, और किसी के साथ भी कुछ इसी तरह का हादसा हो सकता है या इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि किसी दुखी आत्मा को आप लोग दुखी मत करिए, उसका सपोर्ट करिए, उसको समझाइए, उसको सांत्वना दीजिए, उसकी हेल्प करिए, ना कि उसके राह में रोड़े अटकाएं, ना कि सूर्य भाई का अपमान करें। बहुत बुरा लग रहा है ये सब कि हैदर का सपोर्ट तो कहीं नहीं दिख रहा है, भारत पाकिस्तान गाली गलौज, एक दूसरे की बेइज्जती करना, यही सब दिखने लगा है, यही सब कर रहे हो क्या? ऐसे हैदर का सपोर्ट होगा क्या? थोड़ा सोचने समझने की बातें हैं कि हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की हेल्प करना हमारा फर्ज भी बनता है। सीमा ने सब कुछ बिखेर दिया है, बेचारा आजकल वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। हैदर ना उसके पास उसका घर रहा, ना पैसा रहा, ना बच्चे रहे, किस मानसिक पीड़ा से वो गुजर रहा होगा? थोड़ा सा आप लोग सोच कर देखिए। जो लोग हैदर के सपोर्ट का बहाना बनाकर उसके राह में रोड़े अटका रहे हैं, सूरज जैसे भाई का अपमान करके आप लोग हैदर के राह में कांटे बो रहे हैं, क्यों नहीं समझते हैं? उम्मीद है इन सब से आप लोग हटेंगे, और जो सूर्य भाई कह रहे हैं कि जिसके चैनल पर वो आदमी दिखा, मैं उस चैनल का बहिष्कार करूंगा, बिल्कुल भी करना चाहिए। हम सब भी इस बात से सहमत हैं कि अगर किसी के चैनल से कोई गलत बात होती, किसी का अपमान होता है, तो उस चैनल का जिम्मेदार ओनर है चैनल का, और हम सब फिर उन सब बातों के खिलाफ हैं।